इस चॉकलेट मसाज से कैसे आप अपने पूरे बॉडी की समस्याओं को, स्किन समस्याओं को कैसे आप दूर कर सकते हैं इन 10 मसाज के स्टेप्स के साथ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये चॉकलेट पाउडर लेना है। ये आपको जो है दुकानों पर मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल होता है। इसके अंदर आपने क्या करना है, तिल का तेल डालकर एक पेस्ट बनाकर तैयार कर देना है। तिल का जो तेल होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। ये एक प्राकृतिक हर्ब है जो कि हमारे स्किन को जो है बिल्कुल अंदर से शाइन देने का काम करता है। तो आपने क्या करना है, इसको जो है इस चॉकलेट पाउडर के अंदर इस तरीके से आपने मिला देना है और अच्छे से जो है इसका आपने एक पेस्ट बना लेना है। आपने हल्का पतला सा आपने पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। अभी आप ध्यान से देख लीजिए इसको। चॉकलेट मैं बता दूं, चॉकलेट जो होती है हमारे स्किन को अच्छे से जो है ये एक अच्छा सा स्क्रब का काम करती है। अगर आपके स्किन पर ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है उनको भी ये जो है ठीक करने का काम करती है। साथ में अगर आपके फेस पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं तो ये अपनी आपकी जो फेस की झुर्रियां हैं उनको भी कम करने का काम करेगी। साथ में ये जो आपकी स्किन को है, आपकी स्किन को बल्कि अंदर से रिपेयर करेगी ताकि उसकी जो शाइन है वो बाहर दिखाई दे और आपका जो एज है आप अपनी एज से कम उम्र के दिखाई दे और आपकी झुर्रियां आपके फेस पर बिल्कुल ना रहे, आपकी त्वचा जो है बिल्कुल गोरी हो जाए और शाइनी हो जाए। कई लोगों के फेस पर जो फैट जमा हो जाता है उस फैट को भी कम करने का काम करेगी ये चॉकलेट, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारी त्वचा को जो है मुलायम बनाने का काम करते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से अच्छे से सबसे पहले अपनी जो है स्किन पर लगा लेना है। ये देखिए अच्छे से लगाए, ज़्यादा नहीं लगाना है आपने, इसको थोड़ी थोड़ी क्वालिटी में लगाना है और आपने इसके अपने फेस के हर पार्ट पर इसको अपने अच्छे से लगाना है। ये देखिए अभी आप देखते रहिए, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने मसाज कैसे करनी है जिससे कि आपकी फेस की झुर्रियां हैं या ब्लैक हेड्स है या वाइट हेड्स है या आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा रूखी और बेजान हो गई है, आपके फेस पर चमक नहीं है, आपका फेस का रंग जो है बिल्कुल काला हो गया है या आपके फेस पर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा है या आप गर्मियों का मौसम है आपके फेस पर ठंडक नहीं है, आपके फेस पर जो है सूरज की वजह से जो है बहुत ज़्यादा टाइनिंग आपके फेस पर हो रखी है, ये सब समस्याएं कैसे, अब आपने क्या करना है, इसको आपने अपने हाथों पर अच्छे से लगा लेना है और इस तरीके से आपने अपने फेस की मसाज करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फोरहेड की। सबसे ज़्यादा जो हमारी झुर्रियाँ दिखाई देती है वो हमारे फोरहेड पर दिखाई देती है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने नीचे के डायरेक्शन में जो है आपने मसाज करनी है। जब आपको लगे कि ये जो है सूख रहा है, ये तेल जो है सूख रहा है यानी चॉकलेट जो है सूख रहा है, तो आप थोड़ा सा तेल और लें और उसके बाद जो है ऊपरी तेल लगाकर आप जो है इस तरीके से मसाज करें। तो आपने अच्छे से जो है इस तरीके से नीचे के डायरेक्शन में आपने जो है मसाज करनी है। उसके बाद चाहे तो आप क्लॉकवाइज इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। कई लोगों के फोरहेड पर जो है बहुत ही ज़्यादा गंदगी यानी कि कालापन जमा हुआ होता है, तो उस कालेपन को जो है ये चॉकलेट जो है ऊपर की साइड जो है निकाल देगी और आपके स्किन का जितना भी कालापन होगा वो इस चॉकलेट के जरिए जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये आपकी स्किन को जो है मॉइस्चराइजर करेगी, बिल्कुल शाइन देने का काम करेगी। अगर आपके सिर में दर्द रहता है तो इस तरीके से आप जो है अपनी आईब्रोज पर इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं। ऐसे जब आप मसाज करेंगे तो आपके जो नेचुरल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो आपके दब जाएंगे और दबने की वजह से अगर आपका सिर का दर्द है, अगर आपको सिर का दर्द है, आपको तनाव है, आप चिंता में रहते हैं, आपको माइग्रेन की समस्या है, ये सभी समस्याएं भी इस मसाज से दूर हो सकती हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके नोज़ के साइड में जो झुर्रियाँ होती हैं उनको कम करने के लिए इस तरीके से आपने जो है अपनी नोज़ पर मसाज करनी है। मैं आपको बता दूं, आपने बहुत ही जेंटली तरीके से मसाज करनी है, ज़्यादा हार्ड आपने मसाज नहीं करनी है। और जिन लोगों के जो है नोज़ के ऊपर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रहते हैं वहाँ पर भी आपने इस तरीके से आपने मसाज करनी है ताकि ये जो है आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को जो है रिमूव कर सके, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक स्क्रब है जो कि हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को कम करने का काम करता है। उसके बाद अगर आपको डार्क सर्कल की समस्या है तो आप जो है अपनी आईज के साइड में जो है इस तरीके से आप मसाज करें। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है उसको, इसको जो है हर उम्र के लोग जो है इसके चॉकलेट से यानी चॉकलेट मसाज से इस तरीके से अपने स्किन की मसाज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके डार्क सर्कल हैं या आपके आंखें जो है सूजी हुई हैं या आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा थकान है, ये सभी समस्याएं भी आपकी इससे ख़त्म हो सकती है। उसके बाद कई लोगों के चिक्स पे जो है ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप अपने चिक्स पर इस तरीके से मसाज करेंगे तो आपकी ब्लैक हेड्स की समस्या ख़त्म हो जाएगी और साथ ही साथ आपके चिक्स पर जो एक्स्ट्रा फैट आपके जमा है वो आपका एक्स्ट्रा फैट भी ख़त्म हो सकता है। अगर आपको फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है यानी हंसते हुए आपकी फेस की झुर्रियाँ दिखाई देती है तो आप इस तरीके से मसाज करें।
करें और आप जो है अगर इस तरीके से मसाज करेंगे तो आपकी जो स्माइल करते हुए जो आपकी झुर्रियां दिखाई देती हैं वो आपकी झुर्रियां दिखाई देनी बंद हो जाएगी। उसके बाद कई लोगों को जो लाइन की प्रॉब्लम है, कई लोगों को डबल चिन की प्रॉब्लम है, तो आप इस तरीके से जब मसाज करेंगे तो आपकी जो लाइन की जो समस्या है या फिर आपके जो है डबल चिन है, ये सभी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी और आपका फेस का फैट खत्म होने की वजह से आपका जो फेस है जो आजकल के लोगों को पसंद है तीखा फेस हो जाएगा और आप जो है बहुत ही आपका अट्रैक्टिव फेस हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके सिर में दर्द रहता है तो इस तरीके से आप जो है अपने टेम्पल्स की यानी आपके जो टेम्पल्स हैं यहाँ पर आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, आपके जो सिर का दर्द है उसको गायब कर देगा। पहली बात तो जब आप इसको अपने फेस पर लगाओगे तो उसकी खुशबू से ही आपका जो सिर का दर्द है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। और अगर आप आपके जो है चीक्स जो है वो शेप में नहीं है तो आप इस तरीके से मसाज करें, आपके जो है चीक्स की भी शेप बहुत अच्छी आ जाएगी, आपके चीक्स की शेप अलग दिखाई देगी और आपकी जो चिन है यानी कि आपकी ठोड़ी जो है वो आपको अलग नजर आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी गर्दन पर आपने इस तरीके से मसाज करनी है। हमारे गर्दन पर जब हमारी झुर्रियां दिखाई देती है तो हमारी एज दिखनी स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरीके से आपने जो है अपने गर्दन की मसाज करनी है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मसाज करनी है, ऊपर की साइड जो आपने स्किन को स्ट्रेच करना है। जब आपकी स्किन स्ट्रेच होएगी तो आपके जो स्किन की झुर्रियां है यानी आपकी जो गर्दन की झुर्रियां है वो आपकी गायब हो जाएगी। और अगर आपको नींद ना आने की समस्या है तो ये आपके कान के पीछे यानी यहाँ पे कान के पीछे आपका एक पॉइंट है, यहाँ पे आपने इस तरीके से मसाज देनी है ताकि आपकी जो नींद आने की समस्या है वो आपकी गायब हो जाए और आपको नींद जो है बहुत अच्छी आप नींद ले पाए। इसके बाद आपने क्या करना है, एक ठंडे पानी से साफ ताजे यानी ठंडे पानी से आपने अपने फेस को धो लेना है। और अगर आप ऐसा सप्ताह में 3 बार करते हैं तो देखिएगा आपके माथे पर झुर्रियां है या आपकी आंखों पर सूजन रहती है, आंखों में थकान है या सिर का दर्द है या माइग्रेन है या तनाव है, चिंता है, या आपके फेस पर यहाँ पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं या आपके आंखों के साइड में झुर्रियां पड़ी हुई हैं या आपकी ठोड़ी जो वो डबल हो रखी है, आपके फेस पर बहुत ज़्यादा फैट है या आपके जो है गर्दन पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, ये सभी समस्याएं आपकी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अब ये देखिए आपको साथ के साथ जो है आपको फ़ायदा नज़र आएगा। ये आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, आपने जो ऊपर की डायरेक्शन में जो है अपने फेस की सफाई करनी है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर आपके बालों पर लग जाता है या फिर आपके आईब्रोज पर लग जाता है तो इसके आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं नजर आएंगे। ये एक नेचुरली तरीका है जो कि आपकी स्किन की जो समस्याएं हैं उनको खत्म करने का ये काम करता है। आप ऐसा सप्ताह में 3 बार करें। और अगर आप करनाल प्लस की और भी वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो करनाल प्लस के पेज को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।